नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस के सर्च अभियान में एसओजी टीम की मदद से अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 12 अदद अवैध तमंचा, एक अर्धनिर्मित तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले पर एएसपी अमेठी विनोद पांडे ने खुलासा करते हुए पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झुग्गी गांव पहुंचकर एसओजी टीम ने अवैध शस्त्र बनाते हुए 2 अभियुक्तों कल्लू विश्वकर्मा पुत्र बाबूलाल, कृष्ण कुमार मिश्रा पुत्र राम मिश्रा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस मौके से एक गत्ते में 12 बने तमंचे, एक अर्धनिर्मित तमंचा, 3 कारतूस रखे मिले, भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए। एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम लोग अवैध शस्त्र बनाने का काम करते थे। आप देख रहे हैं अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपके द्वारा ये देखिए, जनपद अमेठी की पुलिस द्वारा आगामी पंचायत चुनाव देखते हुए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में लगातार दूसरे दिन हमारे थाना मुशाफिर खाना और एसओजी की ज्वाइंट टीम में असलहे की एक फैक्ट्री बरामद की है, जिसमें 12 निर्मित तमंचे और एक अर्धनिर्मित तमंचा और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। ये ग्राम मढ़ापुर में ये लोग झोंपड़ी में तमंचे बनाने का कार्य कर रहे थे। ये कल्लू विश्वकर्मा पहले भी तमंचे की फैक्ट्री बनाते समय जेल जा चुका है, और दूसरा जो कृष्ण कुमार मिश्रा है ये 302 IPC और आम सेट में पूर्व में ये भी जेल जा चुका है। इस प्रकार इनका अपराधी इतिहास भी है और ये अपराध करने के आदि रहे। गिरफ्तार करने वाली टीम को टीम के लिए सर ने 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की।